हेलो फ्रेंड्स आप सभी को नमस्कार मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम कार्ड लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम कार्ड लाइव जो है वो आप सभी के लिए दिन में बहुत सी फ्री क्लासेस लेकर के आता है जैसे कि सबसे पहली करंट अफेयर की क्लास चलती है उसके बाद हिंदी मैथ जीएस रीजनिंग इंग्लिश इन सब की फ्री क्लासेज जो कि आप पेड़ बैच में पढ़ते हैं और जगह पर वो सब क्लासेज जो हैं, वो फ्री में आपको एग्जाम कार्ड लाइव प्रोवाइड करा रहा है बस आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा इसके साथ में हमने नई जो शुरू करी है नई जो चीज शुरू करी है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपको सप्ताह में दो फ्री और आपके सामने सप्ताह में जो दो क्लास होगी वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस दी जाए तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आप सभी के बीच आया हूं नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में जानकारियां लेकर के तो आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात तो पढ़ेंगे कि भारत के जो पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक है जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम एन के रूप में जानते हैं उनकी नियुक्ति के रूप में करी गई है उनके बारे में पढ़ेंगे भाई जो एन एम एस सी हो गया हो गए उनकी नियुक्तियां क्या करी गई है तो उनकी भूमिका क्या होगी उनकी जिम्मेदारियां क्या होगी इस पद की आवश्यकता क्यों पड़ी है साथ साथ में कि इस पद का जो विचार है वो प्रस्ताव कब आया था दिमाग में उसके बाद में कि अगर ये 22 साल पहले प्रस्ताव दिमाग में आया था तो इस पद को बनाने में बाईस साल क्यों लग गए हैं भैया भारत की समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक है एन जो है वो किस विभाग के तहत काम करेगा साथ साथ में वो अपनी रिपोर्टिंग किसे सौंपेंगे ये सारी जानकारियां पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसकी संरचना कैसे हुई है वो जानकारियां पढ़ेंगे साथ साथ में जो भारतीय नौसेना में जी अशोक कुमार है उन्होंने अपनी कितनी सेवाएं दी है कहाँ कहाँ पर सेवाएं दी है वो सारी बात पढ़ेंगे भारत की जो तटीय लंबाई है कितनी है समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भारत की पहल क्या है हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है और भारत के सामने समुद्री चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो ये सारी वीडियो में आज की वीडियो में हम ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जानकारी लेकिन उससे पहले आपसे एक बात बताता हूं कि आपने ये वीडियो अंत तक देखनी है ताकि ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना तो चलिएगा करते हैं शुरू सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री स... सुरक्षा समन्वयक यानी कि एनएमएसई कौन बने हैं तो भारत सरकार ने वाइस एडमिरल जो कि रिटायर हो चुके हैं जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है अगर मैं बात करूं आपसे पिछले वर्ष में तो पिछले वर्ष के अंत में क्या हुआ था कि सुरक्षा मामले से संबंधित जो कैबिनेट समिति है इसके इसने इस पद को सृजित करने का इस पद को निर्मित करने का इस पद को सबके सामने समक्ष रखने का प्रस्ताव रखा था ठीक है और उसके बाद में एन एम एस सी के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय के साथ में काम करेगा और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं उनकी अध्यक्षता तो ये सारी बातें आपके सामने आई है अब मैं बात करता हूं कि भैया जो हमारे देश का समुद्री समन्वयक बना है पहला एनएमएससी बने हैं उनकी भूमिका क्या होगी उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी तो देखिएगा मुख्य रूप से भारतीय नौसेना तटरक्षक बल और समुद्री सुरक्षा में जो उलझी हुई एजेंसियां हैं इन सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के जो तेहरा तटीय राज्य भारत के जो तटीय सीमा लगती है ऐसे तेहरा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाएगा उनके बीच में तालमेल बैठाने का कार्य करेगा जो हमारे देश का एनएमएससी बना है वो बात करता हूं कि समुद्री क्षेत्र में एकजुट नीतियों और योजनाओं को सुनिश्चित करने का कार्य जो है वो भारत देश का एनएमएससी करेगा जिसमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल है और साथ ही ये सेना और सिविल एजेंसियों के बीच में इंटरफेस के तौर पर भी काम करेंगे तो कितनी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है एनएमएससी को यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा दूसरी बात आप पढ़ेंगे कि सर इस पद की आवश्यकता क्यों पड़े भारत इतना बड़ा देश है इतना ताकतवर शक्तिशाली देश है विकासशील देश है फिर भी हमें इस पद की आवश्यकता क्यों पड़ी तो इस बात पर हम गहनता से चर्चा करते हैं देखिएगा कि लंबे समय से देश में एक ये बात महसूस की जा रही थी कि जो समुद्री गतिविधियां हैं इन समुद्री गतिविधियों में शामिल असंख्य अधिकारी विदेशी विदेशी मामले रक्षा ग्रह और शिपिंग मामलों से लेकर के नौसेना तटरक्षक बल सीमा शुल्क खुफिया एजेंसियां बंदरगाह अधिकारियों और राज्य सरकारों और समुद्री पुलिस बलों को आपस में तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता है और इस तालमेल के साथ जब वो काम करेगी तो जो भी बाहरी शक्तियां हैं चाहे वो समुद्र के माध्यम से आ रही चाहे समुद्री लुटेरे आ रहे हो उनसे उनसे जो, उनसे जो है आरामदारी से निपटा जा सकता है इस बात के लिए दूसरी बात के करीब चौदह साल पहले समुद्री रास्ते से भारत में आतंकवादियों ने प्रवेश किया था और मुंबई में जो ताज होटल है वहां पर कहर बरपाया था ये बात आपको ये बात आपको सर्वविदित है आगे चल के वीडियो में भी इसके बारे में बात करूंगा अब समुद्री रास्ते से कोई आतंक आता है कोई आतंकवादी आते हैं और गैर वैधानिक गतिविधियां इन सबको रोकने के लिए इस पद की आवश्यकता पड़ी है क्यों क्योंकि भैया हमारे देश की जो तटीय सीमा है सात किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है जिसमें कि भारत देश का व्यापार भी तो शामिल है और समुद्री व्यापार और विशेष आर्थिक क्षेत्र है इसी क्षेत्र में ही और इसी इस आर्थिक क्षेत्र को हमने अपने व्यापार को बचाने के लिए जो कि 70 से 90 प्रतिशत व्यापार हमारा समुद्र के के रास्ते से होता है इस व्यापार को और देश की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही इस पद की हमारे देश को आवश्यकता पड़ी है तो यह मैं बता रहा हूं आपको आवश्यकता के बारे में अब आपके सामने कहता हूं कि सर जो एन है इस पद के लिए विचार कब प्रस्तावित किया गया था तो देखिएगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कारगिल युद्ध खत्म होता है कारगिल युद्ध 1990 में हुआ था जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था बुरी तरह से पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे हालांकि भारत ने तो पाकिस्तान के चार बार घुटने टिकवाए हैं उसमें आखिरी जो घुटने टिकवाए थे उन्नीस सौ में उन्नीस के कारगिल युद्ध में ही युद थे और उसके बाद भी हर दिन भारत जो है वो पाकिस्तान के घुटने टिकवाता ही रहता है तो इस बारे में बात करते हैं उसके बाद में तुरंत दो में मंत्रियों के एक समूह ने समुद्री मामलों के प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय के गठन गठन करने का सुझाव रखा था वर्ष 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार की बात कही गई थी परंतु देखिएगा सरकार कभी कभी सरकार बात कुछ करती है करती कुछ है तो ऐसी बात थी 2001 में इस सुरक्षा प्रणाली में सुधार की बात कही लेकिन सरकार जो है है वो उदासीन उदासीन हो हो जाती है इस कार्य को को लेकर के उसके बाद भी गई को अपना कोई रुझान दिखाया नहीं जिसके बाद ये बात दबी की दबी रह गई और उसके बाद में दो के अंत में सरकार दोबारा जागी और सरकार ने जाकर के देखा कि भैया सुरक्षा मामले से संबंधित कैबिनेट समिति जो है वो इस पद को सृजित करे ताकि देश की जो समुद्री सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित करी जा सके उसके बाद में बाद 22 साल क्यों लग गए इस पद को बनाने के लिए जब 2000 में प्रस्ताव रख दिया गया था कारगिल युद्ध के 1999 के तुरंत बाद में प्रस्ताव रख दिया गया था तो 2022 तक क्यों पहुंचे हम इस बात पे बात करता हूं कि उस समय क्या हुआ था कि जो मंत्री समूह की एक ओर से तो ऐसे स्थान की जरूरत पर जोर दिया था जो नौसेना तटीय बल के साथ साथ में राज्य और केंद्र से केंद्र के संबंधित मामलों और मंत्रालयों और विभागों के बीच में तालमेल बैठाने के

26 ग्यारह के मामले के बाद दोबारा से दब गई लेकिन 2014 15 में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए रक्षा मामलों पर बनी एक स्थायी कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया गया इसके बाद देखिए 2014 15 में रिपोर्ट पेश कर दी है उसके बाद भी सरकार कब जागी है 2020 में लोक में लोकलेखा समिति जिसे जिसे पीएसी कहा जाता है उसने एक रिपोर्ट जारी करके एजेंसियों के बीच तालमेल बैठाने की बात पर जोर दिया था बात करता हूं कि भाई समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है तो देखिएगा सर भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो कि पश्चिम में अरब सागर है दक्षिण में हिंद महासागर है पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है क्योंकि भारत के भाई एक तरफ आप देखोगे तो अरब सागर है एक तरफ हिंद महासागर एक तरफ बंगाल की खाड़ी है साथ साथ में भारत अपने जलीय सीमा किस, किस किस के देश के साथ शेयर करता है पाकिस्तान मालदीव श्रीलंका बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड और इंडोनेशिया इन देशों के साथ भारत अपनी जलीय सीमा शेयर करता है साथ में अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो पाकिस्तान तो भैया लगातार आतंकवाद पैदा करता है पाकिस्तान तो ऐसा कहे कि विश्व में आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान है और लगातार आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा देता है ठीक है कि नहीं और इस, इस बीच में क्या होता है कि बहुत बार दूसरे देशों को ये हमला करने की आ, जो है वो कहता है कि भैया मैं तो परमाणु हथियार से हमला कर दूंगा तो इसी बीच में जो उतार चढ़ाव आते हैं इन बीचों में देखने के लिए 2016 में भी एक बार पाकिस्तान ने समुद्री रास्ते से घुसपैठ करने का प्रयास किया था आतंकवादी भेजने का प्रयास किया था लेकिन भारत देश जो है भारत देश जो है उसकी उसकी शक्तियां इतनी है भारत देश के जो रक्षा अधिकारी है वो इस स्तर पर सोचते हैं कि उस उस घुसपैठ को भारत ने रोक दिया था उसी समय दो में ही उसके बाद में देखिएगा हां ये एक फोटो है जो कि दर्शाती है कि देखिए ये बांग्लादेश ये म्यांमार हो गया श्रीलंका हो गया मालदीव हो गया इंडोनेशिया हो गया केनिया हो गया ये बहुत से ऐसे ऐसी है जो कि जिनके साथ में भारत जो है वो अपनी अपनी सीमाओं को शेयर करता है इधर से पाकिस्तान भी आप देख सकते हैं तो सारे के सारे देश है जिनके साथ में भारत अपनी समुद्री सीमाएं शेयर करता है उसके बाद में मैं आपके सामने बात करता हूं कि भाई समुद्री सुरक्षा की ही आवश्यकता क्यों पड़ी तो सर देखिएगा भारत की विभिन्न देशों के साथ में लंबी जलीय सीमा से कई प्रकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएं जो है उत्पन्न होते क्योंकि भारत जो है वो जलीय सीमा में लंबी लंबी शेयर करता है दूसरों के साथ में सीमाएं अब इन चुनौतियों में समुद्री द्वीपों निर्जन स्थानों में हथियार एवं गोला बारूद रखना राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा उन पर स्थान उन स्थानों का प्रयोग देश में घुसपैठ करने एवं यहां से भागने के लिए करना है करता है साथ में अपतटीय एवं समुद्री द्वीपों का प्रयोग आपराधिक क्रियाकलापों के लिए भी करता है साथ में समुद्री मार्गों से तस्करी करना ये सब है गोला बारूद वो, वो हुए, हुए राष्ट्र विरोधी तत्व है इन सबको रोकने के लिए हमें हमें किसी न किसी समुद्री सुरक्षा की तो आवश्यकता थी बस इसी के लिए इस चीज को बनाया गया है समुद्री तटों पर क्या होता है कि भौतिक अवरोध के न होने पर तटों के समीप महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं रक्षा संबंधी अवसंरचनाओं की मौजूदगी से भी सीमा पार अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाती है क्योंकि भाई समुद्र है समुद्र के बाहर तो कोई ये भी नहीं है कि भाई यहाँ से लाइन खींच दी ये समुद्र तुम्हारा ये समुद्र मेरा ऐसा भी तो बंटवारा नहीं हो सकता ना समुद्र का तो बस यही कारण है कि अवैध गतिविधियां जो है वो उनमें बढ़ोतरी होती रहती है अगर मुंबई हमले की बात करें तो उसके बाद से तटीय अपतटीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए थे जिनसे कि समुद्र के द्वारा कोई भी आतंकवादी यहां न आ सके अब मैं बताता हूं जो हमारे अभी जी अशोक कुमार बनाए गए हैं एनएमएससी वे किस विभाग के तहत कार्य करेंगे और वे किस किन्हें रिपोर्ट करेंगे तो देखिएगा राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अजीत डोभाल इनको वे रिपोर्ट करेंगे बगल में आप देख भी सकते हैं अजीत डोभाल हैं ठीक है उसके बाद में देखिए कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के रूप में कुमार के पास समुद्री सुरक्षा और समुद्री सिविल मुद्दों में शामिल होने शामिल संबंधी एजेंसियों के बीच में समन्वय की जिम्मेदारी होगी देश की जो नीली अर्थव्यवस्था है नीली अर्थव्यवस्था मतलब कि जो समुद्र के द्वारा अर्थव्यवस्था है इनकी जरूरतों को सुधारने का जिम्मेदारी जो है वो भी इन्हें सौंपी जाएगी जी अशोक कुमार को नौसेना ने समुद्री सुरक्षा के मजबूत एकीकरण के लिए एक एक बहु एजेंसी निकाय जो कि जो कि राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र है इसके विकास का भी प्रस्ताव दिया है जिसमें कि नौसेना तटरक्षक बल खुफिया एजेंसियों और समुद्री राज्य समुद्री पुलिस बलों जहाजरानी बंदरगाह मंत्रालय और मत्स्य मंत्रालय शामिल होंगे यानी कि इन सबके बीच में भी समन्वय बैठाने का काम एन एम एस सी का होगा उसके बाद में देखिएगा जो जरूरी सूचना है वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संरचना कैसी है देखिएगा भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसकी त्रिस्तरीय संगठन है त्रिस्तरीय देखिएगा ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो गया पहला स्तर ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी दूसरा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप तीसरा तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है अब इसमें कौन कौन होते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन अध्यक्षता करते हैं और प्रधानमंत्री के प्राथमिक सलाहकार भी होते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अजीत डोभाल है ठीक है कि नहीं अगर मैं बात करूं कि भाई इसकी इसका गठन कब हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का तो उन्नीस में, में इसका गठन किया गया था अब इसमें तीन स्तर है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं सबसे पहला सामरिक नीति समूह ये आपका न, आ, सा, सामरिक नीति समूह हो गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड आपका ये हो गया है संयुक्त खुफिया समिति ये आपका ज्वाइंट खुफिया समिति हो गया और शुरू में मैंने कहा था सामरिक नीति समूह वो आपका स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप ये रहा तो इस त्रिस्तरीय संगठन से बच बनता है अगर मैं इनकी बात करूं तो देखिएगा सर सामरिक नीति समूह जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की त्रिस्तरीय संरचना का पहला स्तर है यह एन के निर्णय लेने वाले तंत्र का केंद्र होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अजीत डोभाल जो है वे इस समूह के अध्यक्ष हैं दूसरा है एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड इसमें भारत के बाहर के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का ये एक समूह है आमतौर पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं वो अधिकारी साथ में नागरिक के साथ साथ सैन्य अधिकारी भी हो सकते हैं शिक्षाविद हो सकते हैं नागरिक समाज के विशिष्ट सदस्य हो सकते हैं जो कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देश विदेश के मामलों रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और आपका सामने आता है इन सब आर्थिक मामलों की विशेषज्ञता के रखते हैं वे आदमी इसमें शामिल वे लोग इनमें शामिल किए जा सकते हैं बात करता हूं कि भारत सरकार के संयुक्त खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सैन्य साथ में नौसेना और वायु खुफिया निदेशालय से खुफिया डेटे का विश्लेषण करती है और इस प्रकार घरेलू और विदेशी खुफिया दोनों का विश्लेषण किया जाता है साथ में जे ठीक है जे मतलब के ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी का अपना सचिवालय है जो कैबिनेट सचिवालय के तहत कार्य करता है तो आपको ये भी बताया कि भाई इनका खुद का सचिवालय है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है अब देखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सदस्य कौन-कौन होते हैं सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिप्टी चेयरमैन एंड ऑफ द नीति आयोग ठीक है कि नहीं तो ये सारे के सारे आपके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सदस्य होते हैं अब मैं बात करता हूं आपसे कि जो भारत देश के एन बनाए गए हैं वे जी अशोक कुमार उन्होंने नौसेना में अपनी सेवाएं कितनी दी है तो देखिएगा वे भारत के 35वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं उन्होंने ये पद जो है 2019 में पद ग्रहण किया था और जुलाई 2021 में उन्होंने रिटायरमेंट उनका रिटायरमेंट हो गया था बात करता हूं कि उनको 1 जुलाई 1982 को नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया और एक नेगीवेशन विशेषज्ञ है ठीक है उन्होंने उन्नीस में कोची में अपनी विशेषता पूरी की और इसके बाद में उन्होंने फ्रीग्रेंट आईएनएस व्यास आईएनएस नीलगिरी विध्वंसक आईएनएस रणवीर और विमानवाहक आई विक्रांत के नेगीवेशन अधिकारी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है उसके बाद में बात करते हैं कि उन्होंने कोरा श्रेणी के जो कार्वेट है आईएनएस कुलिश जो कि पी63 है और विध्वंसक जो कि आईएनएस रणवीर है इनकी कमान उन्होंने संभाली है उन्होंने एनएस आईएनएस ब्रह्मपुत्र के कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य किया है और और उन्होंने रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में प्रशिक्षण दल के प्रमुख सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग में रक्षा सलाहकार और पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी संचालन के रूप में भी उन्होंने अपना कार्य दिया है देश को उन्होंने सेवाएं दी है उसके बाद में बात करता हूं भारतीय तटीय तट लंबाई देखिएगा ये आपकी जो जो आपकी ग्रीन कलर में नीचे दिखाई हुई ये भारत की तटीय सीमाएं हैं जो किस कहां कहां पर लगती है इसके बारे में बात करते हैं कि ये कुल लंबाई इसकी सात किलोमीटर है इसमें से मुख्य भूमि तटीय रेखा की लंबाई कितनी है पांच किलोमीटर जबकि द्वीप प्रदेशों की जो तटीय लंबाई है वो है दो हजार दो किलोमीटर तटीय क्षेत्र वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वे गुजरात महाराष्ट्र गोवा दमन और द्वीप कर्नाटक केरल तमिलनाडु पुडुचेरी आंध्र प्रदेश ओडिशा और पश्चिम बंगाल है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें एक एक करके सीरीज वाइज लगाए गए हैं ठीक है ठीके? यहां से मैं बात करता हूं देखो यहां से महाराष्ट्र से शुरू किया फिर ना गुजरात से शुरू किया उसके बाद में महाराष्ट्र गोवा दम सब एक एक, एक करके लिए गए हैं और समुद्री प्रदेश समुद्र तट वाले द्वीप प्रदेश कौन कौन से भाई अंडेमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह ठीक है ना ये आपके इधर से लक्षद्वीप आ जाता है इधर भारत का अंडेमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है ठीक है ना तो पूरी जानकारी आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं अब मैं बात करता हूं कि समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भारत की पहल क्या है अगस्त दो में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भारत के द्वारा समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की तरफ भारत का सामयिक उल्लेख इस मुद्दे पर इस उसकी सबसे पहले की पहल और अनुकरणीय दृष्टिकोण से मेल खाता है इस मामले की तरफ नवंबर 2019 में चौदहवी पूर्व एशिया शिखर वार्ता के दौरान भारत ने इंडो पैसिफिक महासागर की पहल का प्रस्ताव रखा था जिसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रेरित करने के मामले मामले के एक ए, मामले में एक में ऐतिहासिक हस्तक्षेप समझा गया है बात करता हूँ पहल के तहत समुद्री सुरक्षा के सात सात स्तंभों पर ध्यान दिया गया जिनमें से सबसे पहले समुद्री पर्यावरण है समुद्री संसाधन है क्षमता निर्माण है और संसाधन साझा करना है आपदा के जोखिम में कमी, कमी करना और प्रबंधन करना है विज्ञान तकनीक और अकादमिक सहयोग करना है और व्यापार संपर्क और समुद्री परिवहन शामिल इसमें किए जाते हैं उसके बाद बात करता हूं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है देखिएगा ये जो नीचे का जो पोर्शन रहेगा ये हिंद महासागर है एक साइड में बंगाल की खाड़ी है दूसरी साइड में अरब सागर आ जाता है अब इसके बारे में बात करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की जो नीति है इसमें इस क्षेत्र के संबंध में बदलाव आया है पहले भारत की नीति में इस क्षेत्र के लिए अलगाव की स्थिति थी लेकिन अब हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो नीति है वो भारतीय सामुद्रिक हितों को परिचालन हो रही है परिचालित हो रही है अगर सागर पहल की बात करी जाए ठीक है सागर पहल की बात करी जाए तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन ये आ, सागर सागर जो है इसके फुल फॉर्म है इसके द्वारा भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर जोर दे रहा है साथ ही इस रणनीति को मूर्त रूप देने के लिए सागरमाला परियोजना पर कार्य कर रहा है ताकि भारत अपनी जो तटीय अवसंरचना है इसको सुदृढ़ करके अपनी अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके उसके बाद में बात करता हूं कि इस तरह भारत न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों के साथ को साध सकेगा बल्कि ब्लू इकोनोमी जो कि आपकी नीली अर्थव्यवस्था है इसको लक्ष्य को भी प्राप्त इसके लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा ब्लू इकोनॉमी जो है उस पर बल देने और हिंद महासागर के क्षेत्र महत्व को ध्यान में रखते हुए नई सरकार अपने शपथ ग्रहण में बिम्स्टेक बी आई एम एस टी ई सी बिम्स्टेक देशों को आमंत्रित करती है साथ ही इतना ही नहीं भारत के प्रधानमंत्रियों ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका को चुना भारत देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका को चुना है उसके कुछ वर्षों के बाद में हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर किए गए प्रयास इस क्षेत्र में के संबंध में भारत की बदलती नीति को प्रदर्शित करते हैं और इस क्षेत्र के महत्व को भी इंकित करते हैं इस क्षेत्र के महत्व को भी दर्शाते हैं अब देखिएगा इसमें आखिरी बात पढ़ते हैं कि भारत के समक्ष समुद्री चुनौतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले समुद्री डकैती अरब सागर के क्षेत्र में सोमालियाई लुटेरों से भारतीय व्यापारिक जहाजों को सदैव खतरा बना रहता है कि जो सोमालियाई लुटेरे हैं अरब सागर में उनका डर हमेशा बना रहता है कोलाडो कोलाराडो स्थित वन अर्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री डकैती की वजह से दुनिया भर के लोगों को प्रति वर्ष सात से बारह अरब डॉलर का वे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है इसमें इस उन्हें दी जाने वाली फिरौती भी शामिल है जहाज का रास्ता बदलने के कारण जो खर्चा होता है वो भी शामिल है समुद्री लुटोरे से लड़ने के लिए कई विदेशी तरफ से नौसेना की तैनाती की जाती है वो भी शामिल है और अन्य संगठन है उनके बजट पर भी अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है दूसरा अब आता है इसमें आतंकवाद समुद्री मार्ग से आतंकवाद का दंश भी भारत को झेल चुका है कैसे कैसे 26 ग्यारह का जो मुंबई हमला हुआ था इसमें इसमें भारत की समुद्री सुरक्षा पर भी बड़े चिन्ह लगा दिए गए थे प्रश, प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए थे कि भारत की समुद्री सुरक्षा कैसी है जब आतंकवाद घुस जाता है तो इस प्रकार के इंटरनेशनल जो सवाल जो थे उनका भी भारत को जवाब देना पड़ गया था और अंत में बात करता हूं कि संगठित अपराध संगठित अपराध इसमें इस सिलसिले में तीसरी बात है कि समुद्री रास्तों से हथियारों नशीले पदार्थों मानव तस्करी संगठित अपराध के रूप में एक बड़ी सामुद्रिक सुरक्षा चुनौती है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड 19 के दौरान भी मादक द्रव्यों की तस्करी अनवरत रूप से जारी रही लॉकडाउन के कारण स्थलीय सीमाओं परना होने वाला जो आवागमन था वो तो बेशक प्रतिबंधित था परंतु मादक द्रव्यों मार्गों के द्वारा की जा रही थी स्वतंत्र वहन में बाधा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि चीन द्वारा भारतीय सीमा के समीप विकसित किए जा रहे बंदरगाहों ने तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है जिस कारण से भविष्य में भारत के लिए स्वतंत्र नौवहन चुनौतीपूर्ण सा हो गया है चीन द्वारा भारत के चारों ओर बंदरगाह का इस प्रकार का विकास करना उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति को दर्शाता है तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है भारत के पहले एनएमएस और उसके बारे में बहुत सी जानकारियां लेकर के मैं आज की वीडियो में आपके सामने आया था अब आपने देखिए करना क्या है आपको मैं सारी जानकारियां दे चुका हूं अब आपने करना यह है कि इसी प्रकार की अगर और भी जानकारियां चाहिए हर रोज इसी प्रकार की अगर आपको जानकारियां चाहिए तो हमारे एग्जाम कार्ड लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों को शेयर जरूर करें और एक बहुत बड़ी जो दिक्कत है आप लोगों के साथ वो ये भी है कि आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के बाद कि बेल आइकन भी दबाना है भैया सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो जब हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी प्रकार से आप अपना प्रेम अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए प्रयोग और नई नई जो क्लासेस हैं नई नई जानकारियां जो है वो आपके साथ लाते रहे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में जब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो स्वस्थ रहें नमस्कार